इस वीडियो में टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को सेंटेंस के समय डिस्कस कर दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट, और जिस टेंस में या जिस सेंटेंस में जो रहता है वो सब उतार के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाते हैं। और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद जिस सेंटेंस में जो रहेगा वो सब उतरेगा और क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। अब अगर टेंस वाइज बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को अगर देखें तो डू या डज, इसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, डू या डज, देन सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ये हुआ अफर्मेटिव फॉर्म में। तो एग्जांपल, डू यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम इस सम को सॉल्व करते हो, क्वेश्चन मार्क्स, ओके। डज अरुण इनवाइट द मिनिस्टर, क्वेश्चन मार्क्स, ओके। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव फॉर्म, ओके। पास्ट सिंपल टेंस में डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, डिड यू सॉल्व दिस सम, क्वेश्चन मार्क्स, डिड अरुण इनवाइट द मिनिस्टर, क्वेश्चन मार्क्स। तो यहां पास्ट सिंपल में डिड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल के बारे में। तो शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल के रूप में, विल यू सॉल्व दिस सम, क्वेश्चन मार्क्स, विल अरुण इनवाइट द मिनिस्टर, क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स जरूरी होता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, कारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम लोग और लास्ट में अगर फुल स्टॉप लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है, उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ईच, एम, आर, ये पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, एम आई ड्राइविंग माई कार, आर यू टेलिंग मी द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क्स, देख रहे हैं, ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वेयर सबसे पहले यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, वाज आई ड्राइविंग माई कार, क्वेश्चन मार्क्स, वेयर यू टेलिंग मी द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क्स, ओके। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करेंगे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो यहां शैल या विल सबसे पहले यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब के साथ आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, शैल आई बी ड्राइविंग माई कार, क्वेश्चन मार्क्स, विल यू बी टेलिंग मी द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क्स। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, हैज सी परफॉर्म्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, परफॉर्म्ड डांस ऑन द स्टेज, क्वेश्चन मार्क्स, हैव वी इन्फॉर्म्ड द टीचर, क्वेश्चन मार्क्स। यहां पर हैज और हैव को हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले ले लिया, ओके। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, हैड सी परफॉर्म्ड डांस ऑन द स्टेज, क्वेश्चन मार्क्स, हैड वी इन्फॉर्म्ड द टीचर, क्वेश्चन मार्क्स, ओके। फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल, देन सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, विल सी हैव परफॉर्म्ड डांस ऑन द स्टेज, क्वेश्चन मार्क्स, फिर शैल वी हैव इन्फॉर्म्ड द टीचर, क्वेश्चन मार्क्स। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज या हैव सबसे पहले यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल, हैव वी बीन एंजॉइंग द पार्टी सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क्स, ओके। हैज सी बीन डिस्कसिंग फॉर एन आवर, ओके। ये था
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हैड देन सब्जेक्ट बीन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जांपल हैड वी बीन एंजॉयिंग द पार्टी सिंस इवनिंग। ओके हैड सी बीन डिस्कसिंग फॉर एन आवर क्वेश्चन मार्क्स। ओके अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करें तो यहां शैल और विल यूज होता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट से बाहर निकालेंगे। ओके शैल या विल देन सब्जेक्ट देन हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ओके एग्जांपल शैल वी हैव बीन एंजॉयिंग द पार्टी सिंस इवनिंग क्वेश्चन मार्क्स। ओके विल सी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर एन आवर। तो ये था टेंस का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव फॉर्म जिसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला है, सब्जेक्ट से पहले यूज किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। इस तरह से इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव बनता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव टेंस का नेगेटिव फॉर्म। ओके थैंक यू।